इंस्पेक्टर विकास कुमार पांडे उप जिला अधिकारी बांगरमऊ के नेतृत्व में नकली डामर बनाने वाली फैक्ट्री में मारा छापा। मौके पर आपको बताया चले कि अधिक मात्रा में पाया गया डुम लीडर डामर। बांगरमऊ पुलिस की मिलीभगत से चल रहा था कई सालों से फर्जी डामर। आपको बताया चले कि क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर विकास पांडे उप जिला अधिकारी बांगरमऊ ने किया पर्दाफाश। पहले बांगरमऊ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मऊ के कई साल पर किया गया था डामर का काला कारोबार। एक बार छापा मारा गया तो सामने वाले ढाबे से ट्रक और कई आपको बता चले कि कुंडल डामर हुआ है मौके पर बरामद। बांगरमऊ तहसील के अंतर्गत भाटियापुर के मऊ में चल रहा अवैध डामर रखवाने के साथ ही कारखाने में उप जिलाधिकारी क्षेत्र ने मारा है छापा। ये सुनते हैं बयान क्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। ये सूचना मिली कि जो है कुछ ट्रकें पकड़ी गई हैं, टैंकर जो है डामर के पकड़े गए हैं और एक फैक्ट्री पकड़ी गई है वही रूप से अवैध रूप से कार्य करते हुए। तो वहाँ पे जो है पहुँचने के बाद ये ज्ञात हुआ कि जो है ये मथुरा की रिफाइनरी से जो है डामर आ रहा था और वो आजमगढ़ जा रहा था और बीच में उन्नाव में ही यहाँ बांगरमऊ में जगह दो जगहों पर अनाधिकृत रूप से जो है फैक्ट्री या कहेंगे आप या उसे जो है कुछ इन्होंने ड्रम वरम लगा के ऐसा बना लिया था कि जिसमें जो है ट्रकों उन टैंकरों से डामर उतारा जा रहा था और जो है नकली कुछ चीज़ें भर दी जा रही थी उसकी जगह और वो जो उतारा हुआ ड्रामा इसे जो है अपने टैंकरों में करके इसे बेच लिया। किस टीम द्वारा छापा मारी ये जो है पुलिस की टीम थी। अब एग्जैक्टली जो है SHO साहब बताना चाहें तो बताएं। पुलिस टीम थी जो है ये सूचना जो है मुख्यालय से आई थी वहाँ से क्या चल इस पर जो है हमारी सप्लाई विभाग की टीम लगी हुई है तो जो है क्योंकि ये ECI एक्ट जो होता है उसमें आता है तो उसकी भी जो है कार्रवाई चल रही। तो सप्लाई DSO साहब हैं तो वो लगे हुए और पुलिस की तरफ से चोरी और जो अनधिकृत रूप से जो है कारोबार चलाने की इन सब की कार्रवाई भी चल रही। तो इस पर पूरा जो है फाइनल जो है रिपोर्ट कल तक ही हम बता पाएंगे और ये कभी प्रगतिशील है ये कार्रवाई। और बाकी जो है वहाँ पे जितने भी लोग पाए गए उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को